ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज बहुत ही शुभ अवसर है, आज श्री वामन द्वादशी तिथि है, तो भगवान वामन का प्राकट्य दिवस है। और भगवान वामन देव जो है भृगु कक्ष, जो कि आज आधुनिक भारत में भरूच के नाम से जाना जाता है, वहाँ के पास जो नर्मदा नदी है उनके पास में भगवान वामन देव का प्राकट्य हुआ। तो भगवान वामन देव के जो भक्त हैं बलि महाराज, उनका आपस में बहुत ही विशेष आदान प्रदान होता है। तो हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत समय है उसमें वो चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और उनके आपस में जो एक आदान प्रदान होता है उससे संबंधित भगवद गीता में श्लोक है, उसका पहले पाठ करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक क्रमांक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। पुरुष भक्तों में से कोई उसका उच्चारण कर सकते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। कोई माताजी में से कोई बोलना चाहेंगे? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। शब्दार्थ, सर्वधर्मान् समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज्य त्याग कर, माम मेरी, एकम एकमात्र, शरणम शरण में, व्रज जाओ, अहम मैं, त्वाम तुमको, सर्व समस्त, पापेभ्यः पापों से, मोक्षयिष्यामि उद्धार करूंगा, मा मत शुचः चिंता करो। अनुवाद एवं तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं, पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, सन्यास का ज्ञान,
अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। सातवें अध्याय में कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर वह स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में 11.676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। आनुकूलस्य संकल्पा प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिस इति विश्वासो गोपतृत्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था प्राप्त न हो उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसीलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्म आदि कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुहितम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ शुचः, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। ओम अज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयोत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
तो ये भगवद गीता का जो सबसे टॉप मोस्ट श्लोक है, टॉप मोस्ट श्लोकों में से एक श्लोक है। इससे पहले जो है 65वां श्लोक, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव शिष्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, ये और जो अभी श्लोक का हमने पाठ किया, इसको भगवद गीता के चरम श्लोक कहा जाता है। चरम चरम श्लोक मतलब सारी भगवद गीता क्यों बोली गई है इस श्लोक पे लाने के लिए, इसको बोलते हैं चरम श्लोक। ऐसा नहीं है कि भगवद गीता में बहुत सारी शिक्षाएं हैं और अपनी परिस्थिति के अनुसार कोई भी शिक्षा को चुन लो और चुन के आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं है। वो स्टेप है, वो सीढ़ी है, पहुंचना कहाँ है ये सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान श्री कृष्ण पूरी अगर एक श्लोक बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य तो वो भी पर्याप्त होता, वो भी अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन वो एक श्लोक क्यों नहीं बोला, क्योंकि तो भगवान जानते हैं कि अर्जुन की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो एक एक भ्रांति को खत्म करते 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 अंततः इस श्लोक तक लेके आना। या अर्जुन की भ्रांतियां नहीं है तो हम सबकी भ्रांतियां हैं, तो अर्जुन के माध्यम से कोई किसी योग पर अटका हुआ है कि किसी अनुष्ठान पर अटका हुआ है ना, कोई किसी मार्ग पर अटका हुआ है, जो जहाँ पे अटका हुआ है उसको वहाँ से उठाकर कहाँ लाना है, सर्वधर्मान परित्यज्य के ऊपर के लेके आना है। तो ये भगवद गीता का चरम श्लोक ऐसा बताया गया है। एक एक आचार्य हैं, उन्होंने बताया है कि पब्लिक में ये श्लोक नहीं बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सबके सबसे क्या है, सबसे सीक्रेट है, सबसे सीक्रेट मंत्र है सर्वधर्मान परित्यज्य। इसमें भगवान ने बहुत क्लियर स्पष्ट रूप से बता दिया है ना। तो जो जो श्रद्धावान लोग नहीं होंगे या जिनकी शास्त्रों में इतनी श्रद्धा नहीं है, वो इसको सुनने के बावजूद भी उसमें विश्वास नहीं रखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए जो श्रद्धावान लोग नहीं है उनके बीच में इस श्लोक को पढ़ा जाएगा तो वो ऐसा भी हो सकता है कि और अधिक श्रद्धाहीन हो जाए, वो और अधिक अपराध बुद्धि से उसको पढ़ें या सुने। तो उन लोगों को बचाने के लिए ऐसा बताया गया है कि पब्लिक में ये श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं बताना चाहिए, ऐसे एक आचार्य ने बताया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के अनुयायियों की कृपा से ये बहुत सर्वविदित श्लोक है, ये बताने के लिए है कि अंततः हम समझ जाएं कि हमको इस स्टेज पर पहुंचना है। क्या है वो स्टेज, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी तरह के धर्मों को त्यागना है ना। त्यागने का दो अर्थ होता है, त्यागने के दो अर्थ। एक त्यागने का अर्थ क्या है, अगर हमें भक्ति करने में अगर वो समस्या है, प्रतिकूल है, तो उसको त्याग दो, और भक्ति करने में समस्या नहीं है तो उस धर्म को ऐसे पालन करो कि भक्ति करने में सहायता, इसको बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं सबको छोड़ दो, भगवान बोल रहे हैं उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो प्रतिकूल चीज है उसको छोड़ दो और जो अनुकूल है उसको ग्रहण कर लो। तो जो भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको छोड़ दो, जो भी धर्म भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको छोड़ो, और जो भी धर्म भक्ति के लिए अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करो। अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जन, अनुकूल चीजों को लेना, प्रतिकूल चीजों को छोड़ना, इसको बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर भगवान बोल रहे हैं माम एकम, माम एकम, एक माम एकम, केवल एकमात्र मेरी शरण में, और इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, और किसी बाबा के पास, योगी के पास, यहाँ तक कि देवी देवताओं के पास, किसी शक्तिशाली मनुष्य के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अभी इसको कौन पालन करेगा, मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है बहुत सारी जगह बटी हुई है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। भगवान क्या बोल रहे हैं, माम एकम शरणम रजा, केवल माम एकम, है ना। जैसे शास्त्रों में एक उदाहरण बताया गया है कि कोई स्त्री है तो उनके लिए पूरा समर्पण क्या है, पति के लिए, पति के अलावा जो पति से संबंधित लोग होंगे उनसे एक अलग तरह का व्यवहार होगा, लेकिन जो समर्पण होगा वो पति के लिए होगा। तो उसी तरह से जो जीव का पूरा समर्पण है वो कृष्ण के लिए होना चाहिए, बाकी जो है उनका आदर सम्मान है, लेकिन जो समर्पण है
वो कृष्ण के प्रति होना चाहिए, तब वो वास्तव में समर्पण कहलाता है। लेकिन अगर बहुत सारा इधर उधर श्रद्धा बटी हुई है, बहुत जगह इधर उधर विश्वास बटा हुआ है, इसका मतलब माम एकम शरणम व्रजा नहीं हुआ। जैसे कि पत्नी है, उसका पति के अलावा इधर उधर अगर श्रद्धा है, इधर उधर समर्पण है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा उनका सही तरह से कर्तव्य को पालन नहीं कर रही, उसको सही कर्तव्य कर्तव्यनिष्ठ स्त्री नहीं कहा जाएगा। उसी तरह से अगर जीव जो है कृष्ण की शरण को छोड़कर इधर उधर अपना आश्रय ढूंढता है, तो जो जीव है वो अपना कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा, ये भगवान बता रहे हैं। अब इसको पालन करने में तो एक तरह से बहुत आसान भी है, और अगर हमने बहुत जगह अपनी श्रद्धा को फैला के रखा है तो बहुत कठिन भी लगेगा, बहुत आसान है। माम एकम शरणम व्रज, भगवान ने क्लियर बोल दिया कि वह मेरी शरण में आओ, बस बात खत्म, और कुछ करने ही नहीं है, कितना आसान बना दिया। इसीलिए चरम श्लोक, फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुमने अपने पिछले जीवन में जो भी किया है, पाप किया पुण्य किया, सब भूल जाओ, सब मैं खत्म कर दूंगा, सारा धो डालूंगा, ना पाप बचेगा ना कोई पुण्य बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कोई सोचे, अरे मैं तो बहुत पापी हूं, इतना पापी हूं कि मंदिर कैसे जाऊं, मैं इतना पापी हूं कि भगवान के सामने कैसे खड़ा हूं। भगवान बोल रहे हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, क्या आप मेरी शरण में आओगे, मैं क्या करूंगा, अहम सारे तरह के पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। भगवान ये गारंटी ले रहे हैं, लेकिन वो गारंटी कब होगी, जब हम ऊपर की लाइन फॉलो करें, कि जो भी भगवान की शरण में आने के लिए प्रतिकूल चीजें होंगी, प्रतिकूल धर्म होंगे, उनको त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण लेकर अगर हम ऐसा करेंगे, तो पिछले जीवन में, इस जीवन में हमने कोई भी बड़ा से बड़ा पाप किया है, उसमें कोई समस्या नहीं, भगवान सारे पाप कर्मों को नष्ट कर देंगे, ये भगवान गारंटी दे रहे हैं। इससे अच्छी गारंटी क्या होगी। और फिर क्या बोल रहे हैं, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मा मतलब नहीं, शुचा मतलब डरो, डरो मत, क्योंकि डर लगेगा, भगवान की शरण में आएंगे तो डर लगेगा, भगवान को पता है अगर जीव मेरी शरण में आएगा डरेगा वो, तो भगवान ने पहले ही बोल दिया मा शुचा। भगवान के एक विग्रह है दक्षिण भारत में कांचीपुरम में, उनके हाथ पे लिखा हुआ है माँ सुचा, क्योंकि ये डर ही लगता रहता है कि भगवान की शरण में जाएंगे तो पता नहीं कुछ ऐसी चीजों को लेना पड़ेगा जो हमारे लिए बहुत कष्टदायक है, और कुछ ऐसी चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो हमारे लिए बहुत कष्टदायक, लेकिन भक्ति करने के लिए वो अनुकूल है और भक्ति करने के लिए प्रतिकूल। तो इसीलिए ये शरणागति के बारे में ये बताता है, ये श्लोक भगवद गीता की शरणागति का श्लोक है। तो इसीलिए शरणागति के 6 अंग हैं, हालांकि सारा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिस इति विश्वासो गोपतत्रे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विध शरणागति। कोई बोले, जैसे कभी कभी प्रचार करने के लिए हम जाते हैं या किन्हीं से मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं आप मंदिर आइए, मंदिर में संडे प्रोग्राम होता है, प्रवचन सुनिए, प्रसाद लीजिए, तो बोलते हैं हम तो भगवान की शरण में ही हैं, हम तो 24 घंटे भगवान के चरणों में हैं, हम उन्हीं की शरण में रहते हैं। तो केवल बोलने से, लिप सर्विस करने से कोई भगवान की शरण में नहीं आ जाएगा। हम तो मन से हमेशा बाकी बिहारी जी के ही उनमें रमते रहते हैं, हम हमेशा उन्हीं की शरण में रहते हैं, ऐसे नहीं होगा। भगवान व्यवहारिक रूप से बता रहे हैं कि किसने शरण लिया है और किसने शरण नहीं ली है, उसमें अंतर समझाने के लिए। तो किसने शरण लिया है, उसके अंदर 6 सिम्टम्स होंगे, 6 लक्षण होंगे, उससे पता चलेगा कि उसने शरणागति लिया है कि नहीं लिया है। बोलना बहुत आसान है, जैसे श्री कृष्णम शरणम ममा, भगवान मैं आपके शरणागत हूँ, बाकी बिहारी जी की पूरा है ना, उनके उनकी मग्न हूँ उनकी भक्ति में, ये सब बोलना बहुत आसान है
है ना, लेकिन व्यवहारिक रूप से करना वो बहुत कठिन, और ये भगवान को भी पता है, इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, मां सुचा, डरो मत, डर लगेगा। और आप में से जो काफ़ी समय से संडे प्रोग्राम में आ रहे हैं या सेवाओं में रहते हैं, तो थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा डर लगता होगा ना, भविष्य में क्या होगा, है ना, और भगवान की सेवा कर रहे हैं तो ये कैसे होगा, ये जिम्मेदारी कैसे होगी, वो डर लगने वाला। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने अपनी आसक्ति जो है संसार में अलग अलग जगह बैठा के रखी है। तो जब हम भगवान की शरण में आएंगे, तो भगवान की शरण में आते समय जो आसक्ति जो अलग अलग जगह बैठा के रखी है वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी खत्म होना चालू होगी, वो उसका उसका ऑपरेशन चालू होगा। जैसे किसी की हार्ट सर्जरी है ना, तो हार्ट सर्जरी है या कोई ऐसे ऑपरेशन है बॉडी में, तो क्या लगेगा उसे, डर लगेगा ना। क्यों डर लगे, उसको मज़ा आएगा, आज तो मेरा हार्ट ऑपरेशन है, आज तो मज़ा आ गया मुझे, ऐसा होगा उसका, उसको क्या होगा, उसको डर लगेगा ना। डर क्यों लगेगा उसे, है ना, दर्द होगा बहुत, एनेस्थीसिया होगा, ऑपरेशन के बाद क्या होगा। लेकिन एक बार अगर एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, अच्छे से ऑपरेशन हो गया, तो बाद में क्या लगेगा, फिर जो भी कष्ट आता था वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार क्या है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये जो भगवान के प्रति जो शरणागति है वो क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी है। ये भगवान की शरण में आएंगे तो सर्जरी चालू हो जाएगी, हार्ट की सर्जरी चालू हो जाएगी। और हार्ट की सर्जरी क्यों होगी, क्योंकि हृदय में ग्रंथियां हैं, हृदय में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां मतलब बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, बहुत सारी आसक्तियां हैं। तो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे स्कैन होते हैं, है ना, इको ग्राम होता है, इको कार्डियोग्राम होता है, तो हार्ट में पता चल जाता है कि ये समस्या है, इसका ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे हार्ट में तो इतने सारे कलमश भरा हुआ है, इतनी सारी गंदगी भरी हुई है, अगर पूरी गंदगी को बाहर निकाल के हमारे सामने रख दिया जाए तो पूरा पहाड़ भी छोटा पड़ जाएगा, इतनी गंदगी हमारे अंदर है, इतनी आसक्तियाँ हमारे अंदर, तो उसकी सफाई करने की ज़रूरत है। वो सफाई कैसी होगी, वो सफाई होगी शरणागति के माध्यम से। और जब शरणागति होगी मतलब ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा तो क्या होगा, डर लगेगा, डर लगेगा तो क्या करेंगे, माँ सुचा, डरो मत, भगवान बोल रहे हैं डर लगेगा। एक बार शरणागति ले लिया, उसके बाद फिर जीवन कैसा हो जाएगा, बहुत ही आनंदमय हो जाएगा, बहुत ही प्रसन्नचित हो जाएगा। तो क्या है शरणागति के लक्षण, तो जैसे कि आज वामन द्वादशी है, भगवान वामन देव का प्राकट्य दिवस है, जैसे रामनवमी होती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, ऐसे वामन द्वादशी। तो भगवान के कई अवतार हैं, है ना, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे। तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, उनमें से अलग अलग तरह से श्रेणियाँ बनाई गई हैं। तो एक श्रेणी है मुख्य 10 अवतार, भगवान के 10 अवतार हैं, उन 10 अवतारों में एक अवतार क्या है, वामन अवतार। तो आज ही के दिन भगवान वामन प्रकट हुए, और भगवान वामन इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए, शरणागति के सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने एक लीला किया, और उस लीला में क्या किया, बहुत बड़ा छल किया। उस छल के माध्यम से भगवान वामन देव ने बताया कि भगवान की शरणागति लेने का अर्थ क्या है। तो समय कम है, शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो जो देवता हैं और जो असुर हैं, तो उनमें क्या होता है, युद्ध होता है, और सारे जो देवगण होते हैं वो घायल हो जाते हैं, और बुरी तरह से उनका जो राज छिन जाता है, और सारे स्वर्ग पर, सारे उच्च लोगों पर असुरों का राज्य हो जाता है। और असुरों के राजा थे उस समय बलि, बलि महाराज, है ना। तो सारे जो देवी देवता होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि अब क्या होगा, हमें तो स्वर्ग से निकाल ही दिया। तो ये जो बलि है ना, जो प्रहलाद महाराज के क्या हैं, पौत्र हैं, प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हैं बलि। तो बलि ने क्या किया, इंद्र को, सारे देवी देवताओं को खदेड़ दिया, उनसे राज छीन लिया, और सब वो घायल हो गए।
तो वो प्रार्थना करते हैं और भगवान बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में आऊँगा, एक ब्राह्मण परिवार में मैं आऊँगा और आप बस देखते रहना, बाकी सब आपको मिल जाएगा, है ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ही के दिन फिर जो अदिति और कश्यप मुनि जो उनकी जो संतान है उनका जन्म होता है वामन के रूप में, उससे पहले भी कई घटनाएं होती हैं कि वो 1 साल का व्रत रखते हैं। 1 साल का व्रत रखने के बाद जब वामन देव प्रकट होते हैं, तो वामन देव ऐसे नहीं कि जैसे बच्चा प्रकट होता है रोते हुए, वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। और चतुर्भुज रूप कैसा होता है, सारे आभूषण पहने हुए, मुकुट पहने हुए, सारा ड्रेस, जैसे भगवान कारागृह में माता देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट होते हैं, उसी तरह से वामन देव भी अदिति और कश्यप के सामने प्रकट होते हैं। और उनके सामने प्रकट होने के बाद फिर उनका उपनयन संस्कार होता है ना, ऐसे 6-7 साल की उम्र में उपनयन संस्कार होता है। और उपनयन संस्कार जब होता है तो उनको जनेऊ दिया जाता है ना, उनको मृग छाल दी जाती है, उनको एक ऐसे छाता दिया जाता है, और फिर उनका जो एक ब्राह्मण के जितने भी अनुष्ठान होते हैं वो चालू होते हैं। तो जो वामन देव हैं उनको पता चलता है कि कुछ दूर ही यहाँ पर भृगु भृगु क्षेत्र में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा है। वो यज्ञ कौन कर रहे हैं, जो दैत्यों के राजा हैं बलि, वो इस यज्ञ को करने वाले। तो वामन देव क्या है, वामन मतलब एक तरह बौना, छोटे छोटे रूप में वो वहाँ पर जाते हैं, ब्राह्मण वेश में जाते हैं और बलि महाराज के पास से पहुँचते हैं। बलि महाराज के पास में जब पहुँचते हैं तो हालांकि बलि महाराज दैत्य हैं, बाहर से दैत्य हैं लेकिन अंदर से तो भक्ति हैं। तो जब वो देखते हैं कि इतना तेजस्वी बालक, इतना सुंदर बालक, इतना छोटा बालक ऐसे आया है, ब्राह्मण है, तो उनको बहुत आदर सम्मान देते हैं, सिंहासन पर बैठाते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, और उसके बाद पूछते हैं कि आप ब्राह्मण देव आप यहाँ कैसे आए, किस कारण से आए, क्योंकि राजा और जो ब्राह्मण है उनका कैसे होता था, आपस में आदान प्रदान होता था। ब्राह्मण आते थे तो उनको कुछ सुनाते थे, उनको धर्म की शिक्षा देते थे, और ब्राह्मणों की जो थोड़ी बहुत ज़रूरतें होती थी वो जो राजा होते थे उसको पूरा करते थे। तो वामन देव बोलते हैं कि मुझे अपना यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए 3 पैर भूमि चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए, है ना। तो बलि महाराज जब उनको देखते हैं और उनके छोटे छोटे पैर को देखते हैं तो उनको लगता है कि कैसे, क्या ब्राह्मण है ना, इनको मांगना भी नहीं आता, मैं पूरा 14 लोगों का राजा हूँ और मुझसे 3 पैर भूमि मांग रहे हो, और 3 पैर में क्या होगा, छोटे छोटे तो पैर हैं, है ना। तो बोलते हैं कि आपको अधिक से अधिक मांगना चाहिए, ऐसा मांगिए कि जीवन भर आपको मांगना ही नहीं पड़े, मैं आपको इतना दे दूंगा, ऐसा वो वामन देव जी को बोलते हैं। तो वामन देव उनको उपदेश देते हैं, वो भी उपदेश काफ़ी पड़े हैं भागवतम में। किस पे देते हैं कि एक लोभी पुरुष होता है, उसके पास पूरा संसार भी आ जाए तो भी वह असंतुष्ट रहेगा, एक लोभी व्यक्ति के पास सब कुछ मिल जाए लेकिन फिर भी उसके अंदर ईर्ष्या हमेशा बनी रहेगी, हमेशा वो जलता रहेगा, हमेशा उसको द्वेष बना रहेगा। इसीलिए जिसकी अपने इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण नहीं है, उसको पूरा संसार मिल जाए फिर भी असंतुष्ट रहेगा। तो बलि जो तुम बोल रहे हो कि जो मांगना है वो मांग लो, और ऐसा मांगो जो पूरा जीवन भर रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला, मेन है संतुष्टि होना चाहिए। और व्यक्ति को, एक ब्राह्मण को अपने पास उतना ही चीज़ों को रखना चाहिए जितना चीज़ों को वो भगवान की सेवा में लगा पाए, उससे आवश्यकता से अधिक नहीं रखना चाहिए। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि एक बंगाली कहावत है जिसमें बताया गया है कि अगर एक ब्राह्मण को लाखों रुपए भी मिल जाए तो भी भिखारी ही रहता है, तो भी बेगर रहता है, क्योंकि वो उसको जो मिला है वो अपने पास रखेगा ही नहीं, वो भगवान की सेवा में लगा देगा। अपने पास कितना रखेगा, जितना बस मिनिमम से मिनिमम जरूरत है उतना ही रखेगा। तो ब्राह्मण को, अगर सही ब्राह्मण को अगर लाख भी दे दिया तो भी वो भिखारी ही रहने वाला, क्योंकि वो अपने पास, उसको दूसरे बहुत महत्वपूर्ण काम है ना, उससे भगवान की सेवा करना वो उसके महत्वपूर्ण काम। तो इस तरह से वामन देव वहाँ बोलते हैं कि मुझे अधिक लेने की जरूरत नहीं है, मैंने 3 पैर भूमि मांगा है उतना ही दे दो बस।
तो वहां पर बलि महाराज के गुरु होते हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य क्या हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। शुक्राचार्य सोचते हैं, अरे यार ये तो विष्णु है, और ये विष्णु जो है वो सब लेने आया है, और सब अगर ले गया ये बलि मेरे शिष्य का सब ले गया तो मेरा घर कैसे चलेगा। वो अपने शिष्य की चिंता नहीं है, वो अपने घर चलाने की चिंता है। तो ऐसे शुक्राचार्य जैसे बहुत सारे गुरु हैं आजकल। अगर विष्णु किसी का कुछ लेने आए हैं तो वो गुरु को तो प्रसन्नता होना चाहिए, कितना बढ़िया है मेरे शिष्य के पास खुद विष्णु आए हैं, मांगने के लिए आए हैं, कोई ब्राह्मण है मांगने आए हैं, तो मुझे तो अपने शिष्य को बताना चाहिए कि दो, आप विष्णु को दो, ब्राह्मण को दो, मुझे ऐसा करना चाहिए। और वो शुक्राचार्य क्या सोच रहे हैं कि ये विष्णु आएगा और सब छीन के ले जाएगा और उसके बाद मेरा घर चलना बंद हो जाएगा, तो अभी क्या किया जाए। तो शुक्राचार्य क्या बोलते हैं बलि महाराज को कि तुम ये वचन वापस ले लो, तुम मत दो, ये तीन पैर भूमि मत दो, क्योंकि तो तुमने तीन पैर भूमि दिया ये सब छीन के ले जाएगा। तो और कभी कभी क्षत्रियों को अपने बातों से पलटना भी पड़ता है, ये राजनीति का वो भाग है, कूटनीति का भाग है। तो तुम बोल दो उसको, है ना, ये ब्राह्मण को बोल दो कि मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसे अलग अलग तरीके से शुक्राचार्य उनको गलत शिक्षा देना चालू करते हैं बलि महाराज। तो बलि महाराज क्या करते हैं, शुक्राचार्य को ही रिजेक्ट कर देते, अपने गुरु को ही रिजेक्ट कर दिया कि ऐसे गुरु जो विष्णु से दूर ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं विष्णु की सेवा मत करो, मेरी सेवा करो, और विष्णु की अगर इतनी सेवा कर दी तो मेरा सेवा कैसे होगा। इसका मतलब क्या है, वो वास्तव में गुरु नहीं है। उसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किन्हीं व्यक्ति से प्रेरणा लेके किन्हीं को गुरु बनाया है ना, लेकिन अगर वो गुरु प्रामाणिक नहीं है और वो हमको विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति या राम भक्ति की ओर नहीं ले जा रहे हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि शिष्य की संपत्ति से अपना घर चले, अपना जीविकोपार्जन चले, इसका मतलब ऐसे गुरु को अगर रिजेक्ट भी करना पड़े तो उसमें कोई भी पाप नहीं लगता, ये बलि महाराज शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि शुक्राचार्य की शक्ति के कारण ही बलि महाराज को पूरा राज्य मिला था। बलि महाराज जो जीते थे देवताओं से, उसकी शक्ति कहाँ से मिलेगी, शुक्राचार्य से मिली, शुक्राचार्य ने दिया, लेकिन शुक्राचार्य अभी क्या कर रहे हैं, विष्णु से दूर ले जा रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी अध्यात्मवादी से हम जुड़े हैं उसको पहले हम देखें, परीक्षण करें कि वास्तव में वो हमें विष्णु भक्ति तक ले जा रहे हैं या कुछ दूसरा ही मोटिव चल रहा है, कुछ गलत ही मोटिव चल रहा है। और अगर हमको लगा कि ये गलत मोटिव चल रहा है तो फिर वो गुरु पद स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुक्राचार्य वहां से चले जाते हैं और शुक्राचार्य बलि महाराज को श्राप देते हैं कि तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो वो तो होने ही वाला था, वैसे भी होने वाला था, शुक्राचार्य के श्राप की वजह से कुछ नहीं होगा। तो फिर बलि महाराज बोलते हैं वामन देव जी से कि आप तीन पैर भूमि ले लीजिए, है ना, तीन पैर भूमि ले लीजिए और नाप लीजिए आप। तो अभी जो वामन अवतार है वो अपना त्रिविक्रम रूप लेते हैं, त्रिविक्रम रूप मतलब एक विश्व रूप जैसा लेते हैं, एक्चुअली विश्व रूप भी छोटा हो जाएगा, उससे ही बड़ा रूप लेते हैं। तो भगवान बौने रूप में थे, छोटे रूप में थे, अभी उन्होंने अपना बहुत बड़ा त्रिविक्रम रूप ले लिया, और इतना बड़ा था कि उनका चेहरा जो था उच्च लोकों में था, उनका जो नाभि था वो मध्य लोक में था, उनके जो पैर थे निम्न लोकों में, इतना बड़ा उन्होंने त्रिविक्रम रूप ले लिया। और फिर जब बलि महाराज ने देखा तो वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, छल करते हैं, छल किया ना, एक तरह से छोटा रूप दिखाया, छोटे रूप में देखा कि तीन पैर भूमि चाहिए है, अब इतना बड़ा रूप कर लिया, अब उसमें तीन पैर भूमि नापेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे छल करते हैं, लेकिन छल किसके साथ करते हैं, वो भी अपने भक्तों के साथ ही करते हैं, जो उस छल को बर्दाश्त कर पाए, जो भगवान के छीनने को बर्दाश्त कर पाए भगवान उसी के साथ करते हैं, और हर किसी के साथ नहीं करेंगे। भगवान अगर हम जैसे साधारण जीव के साथ करना चालू कर दिया तो हम तो पहले ही भगवान के विरोधी बन जाएंगे कि भगवान
आप मंदिर में अच्छे थे, हम अपने घर में अच्छे हैं, और हमसे ये सब नहीं होगा, भक्ति वगैरह नहीं होगी। तो उन्होंने जो उसमें श्लोक भी आता है, जयदेव गोस्वामी बोलते हैं, छल यसि भगवान, छल मतलब चीटिंग करना, धोखा देना। भगवान धोखा दे रहे हैं, सोचो आप, भगवान धोखा दे के छीन रहे हैं। तो कोई अगर धोखाधड़ी करे हमारे साथ तो क्या होगा, वो हमारे दुश्मन बन जाएगा। मुझे धोखा दिया इसने, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, छल कर रहा है, मेरा धन छीन रहा है, इतना सब कर रहा है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ वामन देव ने बलि महाराज के साथ किया। पहले एक तरह से बौने अवतार में 3 पग भूमि चाहिए था, तो वो एक तरह से झूठ हो गया, क्योंकि तो अब तो रूप त्रिविक्रम रूप हो गया, इतना बड़ा रूप हो गया। और भगवान ने क्या किया, 3 पैर भूमि के नाम पर सब कुछ छीनने वाले हैं, तो छल किया, धोखा दिया। लेकिन बलि महाराज का डिटर्मिनेशन इतना इतना अधिक है कि भगवान विष्णु मेरा कुछ भी छीनना चाहें मुझे परवाह नहीं, मां सुचा, भगवान बोले ना, मां सुचा, डरो मत। तो बलि महाराज डरे नहीं कि मेरा सब कुछ छीनने वाला है, भगवान वो बलि महाराज डरे नहीं। फिर क्या हुआ, वामन देव त्रिविक्रम रूप ने क्या किया, एक पैर से पूरा जो पृथ्वी है उसको नाप लिया, एक पैर से पूरा पृथ्वी को नाप लिया। अभी पृथ्वी खत्म, पृथ्वी से पूरी चली गई वामन देव जी के पास। फिर दूसरी पैर से क्या किया, पूरा जो ब्रह्मांड था उसके ऊपर पैर रखा, और क्या हुआ, उनके नाखून से ब्रह्मांड की जो परत होती है उसमें छेद हो गया, और छेद होने के बाद जो कारण सागर था जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं, वो कारण सागर गिरा, उस छिद्र से आया और वामन देव जी के पैर धोए, और पैर धो के यहाँ पर आया और गंगा नदी उपने। तो गंगा नदी कैसे बनी, वामन अवतार ने जब ब्रह्मांड को नापा, उसकी परत टूटी, तो वहां से कारण सागर आया और भगवान का पाद प्रक्षालन किया, पैरों को धोया, और वो वहां नीचे आती है, और फिर वो सबसे पहले स्वर्ग में जाती है गंगा, फिर भागीरथी और अलग अलग राजाओं के द्वारा फिर पृथ्वी पर आती है, और फिर निम्न लोकों में जाती है, इस तरह से गंगा नदी आई। तो भगवान ने क्या किया, 2 पैर में सब कुछ नाप लिया, जो बलि महाराज के पास जो था सब कुछ अभी वामन देव के पास में चला गया। तो वामन देव ने कहा कि तुमने तो वचन दिया था 3 पैर का, 2 पैर में ही सब खत्म हो गया, तो तुम तो झूठे निकले, तुमने तो वचन पालन नहीं किया। ब्राह्मण को वचन दे दिया और वचन देने के बाद तुम उससे पलट गए, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, अभी तुमको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। अभी कर रहे हैं उल्टा, भगवान गलत कर रहे हैं, बलि महाराज सही कर रहे हैं, लेकिन है ना कि भगवान अभी त्रिविक्रम क्या करते हैं, बलि महाराज पहले झूठ बोला, फिर धोखा दिया, फिर छल किया, अब सबके सामने बेइज्जत कर रहे हैं बलि महाराज को। कैसे कर रहे हैं, गरुड़ जी को उन्होंने बुला लिया, और गरुड़ जी ने क्या किया, बलि महाराज को सबके सामने बांध दिया, सबके सामने बांध दिया, क्रिमिनल की तरह, एक दोषी की तरह, और बलि महाराज को बांध के खड़ा कर दिया, और पूछा अब बताओ तीसरा पैर, ये तो तुम्हें दिया ही नहीं, तुम तो दोषी हो, है ना, ब्राह्मण को वचन देने के बाद दोषी है। तो बलि महाराज बोलते हैं कि पृथ्वी पूरा आपने नाप लिया, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, लेकिन मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो भूमि बची हुई है, तो आप मेरे सिर के ऊपर पैर रखिए, तीसरा तीसरा पैर ये है। तो त्रिविक्रम जो रूप होते हैं वो क्या करते हैं, बलि महाराज के सिर के ऊपर पैर रखते थे। तो इस तरह से ये जो है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तो इस तरह से बलि महाराज ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, सब कुछ भगवान को दे दिया, संपत्ति दे दिया, सब कुछ दे दिया, और फिर अपने आप को भी बलि महाराज ने दे दिया। तो जैसे बलि होती है ना, बलि, बलि का मतलब क्या होता है, जैसे बाहर देखते हैं ऐसे कुछ पशुओं की बलि दी जाती है ना, पशु की बलि देते हैं ना, बलि, तो बलि मतलब उसको काट के दे देना, काली को दे देना, ये होता है ना बलि में।
बलि मतलब सेक्रीफाइस काट, तो बलि महाराज ने अपना नाम सार्थक किया। बलि महाराज ने भी अपनी बलि दे दी, किसको दे दिया, वामन देव को उन्होंने दे दिया। और वामन देव को बलि देने के बाद उन्होंने ये दिखाया कि आत्मनिवेदन का अर्थ क्या होता है, किसको बोलते हैं कम फुल सरेंडर, है ना। तो फिर क्या होता है कि जो उनको बांधा गया था, गरुड़ जी ने बांधा था बलि महाराज को, तो वामन अवतार, और उसके बांधने के बाद क्या करते हैं, बलि महाराज का जो सिंहासन था उसके ऊपर बैठ जाते हैं वामन देव, बांध देते हैं, पहले तो बांध देते हैं, फिर सिर के ऊपर पैर रखते हैं, फिर बलि महाराज को मुक्त कर देते हैं। और फिर बलि महाराज से बोलते हैं कि मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, तुमको जो चाहिए वो मांगो मुझसे। वामन देव ऐसा बोलते हैं बलि महाराज से कि तुमको जो जो चाहिए वो मांगो। तो बलि महाराज बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मेरा सब कुछ स्वीकार कर लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती, इससे अच्छा क्या हो सकता, आपने मुझे भी स्वीकार कर लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान बोलते हैं कि सुतल लोक में, जहाँ पे तुम हमेशा निवास करोगे, उस लोक में जो द्वारपाल है वो मैं द्वारपाल हमेशा रहूँगा, तुम्हारे राज्य की रक्षा मैं हमेशा करूँगा। देखिए तो भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन गए, कोई हमारे घर का गार्ड बन जाए, मान लीजिए हमारा घर है और कोई व्यक्ति आए कि मैं आपके घर का गार्ड बन रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, सेवक बनना है ना। और कैसा सेवक, बहुत ही तुच्छ सेवक कि घर की मैं रखवाली करूँगा। तो वामन देव क्या बोल रहे हैं कि बलि तुम्हारा जो राज्य है सुतल लोक में उसमें मैं रहूँगा और द्वारपाल के रूप में हमेशा पहरा देता रहूँगा वहीं वहीं पर। तो एक वामन देव का एक दूसरा नाम है उपेंद्र, उप इंद्र, इंद्र के छोटे भाई, है ना। तो फिर बलि महाराज ने वामन देव ने क्या किया, सारा राज्य किनको दे दिया, इंद्र को दे दिया, बलि महाराज से लेके इंद्र को दे दिया। लेकिन फायदे का सौदा किसका था, इंद्र का था, बलि महाराज का था। लेकिन जब सब घटना चल रही थी तब किसका फायदा लग रहा था और किसका नुकसान लग रहा था, फायदा लग रहा था इंद्र का कि सब छीना जा रहा है और सब इंद्र को मिल रहा है। लेकिन अंततः फायदा किसका हुआ, फायदे का सौदा किसको मिला, वो बलि महाराज को मिला। तो शरणागति में ऐसा होता है, जब भगवान की शरणागति ली जाती है या शरणागति चल रही होती है तो हमें लगता है कि हमारे साथ घाटे का सौदा हो रहा है, हमारी चीज़ें तो सब खत्म हो रही हैं, जीवन में समस्याएं बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन वास्तव में जिसने शरणागति ली है लास्ट में उसको ही फायदे का सौदा होने वाला, हालांकि इसे फायदा नुकसान नहीं देखते हैं भक्ति में। तो एक तरह से देखें तो वामन देव ने बलि महाराज को गरुड़ जी के पास से बांध दिया, एक बार बांध दिया है ना, और वहां पे बेइज्जत किया, एक बार बांधा। लेकिन बलि महाराज ने अपने आत्मसमर्पण से वामन देव को हमेशा के लिए बांध दिया, क्योंकि जहां पे बलि महाराज हैं, जहां पे उनका राज्य है, वहां पर हमेशा वामन देव है। तो हम देख सकते हैं कि ऊपरी तौर पर जब भगवान की सेवा होती है, भगवान की शरणागति होती है, तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि साधक के जीवन में, भक्त के जीवन में बहुत सारी अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही। लेकिन अंततः हम देखते हैं कि इस पूरी लीला में किसने किसको बांधा, वास्तव में वामन देव ने बलि महाराज को नहीं बांधा, बलि महाराज ने वामन देव को बांध दिया। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता है और किसी अवतार में नहीं है कि भगवान किसी के घर के पहरेदार बन गए और वहां खड़ा होकर पहरा दे रहे हैं, और दिन रात ऐसा पहरा दे रहे हैं कि कोई वहां आ भी नहीं सकता, कोई इंटर नहीं हो सकता। अगर कोई असुर भी आ गया तो बलि महाराज कुछ चिंता दिए बिना वामन देव ही उसको निपटा देंगे, वो ही उससे युद्ध कर लेंगे। तो इतना भगवान अपने भक्तों के काम जाते हैं, भक्त वत्सल हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो ना ही स्वतंत्र इव दुजा साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जना। भगवान विष्णु क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या बोलते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे कोई स्वतंत्रता नहीं है मेरी, मैं क्या हूं, अपने भक्तों के पराधीन, अहम भक्त पराधीनो ना ही स्वतंत्र इव दुजा, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। साधु भी ग्रस्त हृदयो, साधुओं ने
भक्तों ने मुझे अपने हृदय में कैद करके रखा। जो भक्त हैं, साधु हैं, बलि महाराज जैसे भक्त हैं, उन्होंने अपने हृदय में मुझे कैदी बना दिया। और मुझे भगवान के भक्त प्रिय नहीं है, भक्तेर भक्त जना प्रिय। जो भक्तों की सेवा करते हैं, जो भक्तों के भक्त हैं, वो मुझे अपने भक्तों से अधिक प्रिय है। तो ये जो शरणागति का श्लोक है, ये बलि महाराज ने इसको जीवंत करके दिखाया कि किस तरह से भगवान की शरणागति ली जाती। तो वामन देव ने उनके साथ छल किया, उनके साथ कपट किया, उनको झूठ बोला, उनकी संपत्ति छीन लिया, उनका डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन ये सब से पार होते हुए अल्टीमेटली वामन देव को बलि महाराज ने कैप्चर कर लिया। तो ये शरणागति का इक्वेशन। तो अभी समय हो गया है, हम यहाँ पे विराम लेंगे, अभी आरती होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की, श्री वामन द्वादशी की, श्री बलि महाराज की, हिताय गौर प्रेमानंदे।